बायोकेमिस्ट्री अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। तो सबसे पहला बायो मॉलिक्यूल जो हम कवर अप करने वाले हैं वो अमीनो एसिड्स है, और इसी अमीनो एसिड से रिलेटेड प्रोटीन होता है, तो उसको भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स डिस्कस। अमीनो एसिड्स जो होते हैं दे आर द प्रोटीन मोनोमर्स। प्रोटीन जो एक लार्जर मॉलिक्यूल्स है या लार्जर बायो मॉलिक्यूल्स है जिसको आप मैक्रो मॉलिक्यूल के तौर पर कंसिडर करते हैं। तो प्रोटीन जो एक मैक्रो मॉलिक्यूल है वही प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल इसको आप मेंशन करते हैं। वो मैक्रो मॉलिक्यूल को जो है उसका एक मोनोमर, क्योंकि ये बड़ा मॉलिक्यूल है, एक पॉलीमर है, प्रोटीन अब पॉलीमर है। अब उस पॉलीमर को बनाने के लिए मोनोमर तो चाहिए ही चाहिए। अब वो मोनोमर ही जो होते हैं वो अमीनो एसिड्स होते हैं, और इनके नाम को ही अगर डिफाइन करोगे तो इसमें वैसे ही इसके नाम में इसकी आधी प्रॉपर्टी छुपी हुई है, अमीनो एज वेल एज एसिड्स। तो आधी प्रॉपर्टी तो इसी के नाम में, अमीनो और एसिड्स के ऊपर जब हम बात करते हैं। दे कंटेन्स द कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये जो है कार्बन कंटेन करता, हाइड्रोजन कंटेन करता, ऑक्सीजन कंटेन करता, नाइट्रोजन ये सब जो है वो कंटेन करता है। दे हैव अमीनो एसिड्स एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स। इनके पास जो है अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप, और इन्हीं दोनों से मिलकर बना होता है, क्योंकि एक ग्रुप जो है वो अमीनो ग्रुप होता है और दूसरा जो होता है वो एसिड, और एसिड ग्रुप के तौर पर जो है कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो दो जब ग्रुप्स पाए जाते हैं, एक अमीनो ग्रुप और एक एसिड ग्रुप, और ये दोनों जब एक ही कार्बन पे जुड़े होते हैं तो ऐसा बायो मॉलिक्यूल जो है वो अमीनो एसिड जो है कहलाते हैं। अगर मैं चर्चा करूँ तो अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो अल्फा अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं, बीटा अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स हो सकते हैं। लेकिन एक अमीनो एसिड है जिसको बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स, एंड अल्फा अमीनो एसिड्स हैव द ग्रुप्स ऑन सेम कार्बन। उनके पास जो ग्रुप्स होते हैं वो सेम कार्बन पे ही होते हैं, एंड दे हैव डिफ्रेंशिएटेड बाई आर ग्रुप्स। इनका जो वेरिएशन होता है अमीनो एसिड्स में, कि कई 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, 500 से ज़्यादा नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, तो उनमें अमीनो एसिड का जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं, वो आर ग्रुप के बेसिस पे जो है डिफाइन किए जाते हैं। अभी आर ग्रुप क्या है अभी आप समझेंगे। तो अगर आप पूरे अमीनो एसिड के बेसिक स्ट्रक्चर को क्लासीफाई करें तो देखिए, एक स्ट्रक्चर जिसमें एक कार्बन है, और कार्बन के एक राइट साइड पे, या कह सकते हैं कि एक साइड एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नेचर आप देखें तो प्रोटॉन डोनेशन नेचर है, और ये मैं बता चुका हूँ कि जो प्रोटॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं उनके जो पीके वैल्यूज होते हैं वो कम होते हैं, इसीलिए इस प्रोटॉन डोनेटिंग ग्रुप का पीके वैल्यू जो है वो कम होगा। अभी मैं पिछले क्लास में चर्चा कर चुका हूँ, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरी जो क्लासेस होती है वो कनेक्टेड होती है, तो आप पढ़ के आएंगे तो आपको समझ में भी आएगा। अमीनो ग्रुप, क्योंकि इसका नेचर प्रोटॉन डोनर का नहीं है, ये खुद अपने आप में एक बेस है, एंड दैट्स वाई इसका जो पीके होता है वो थोड़ा हाई होता है एज कम्पेयर टू द एसिडिक ग्रुप। बट अगर इन दोनों की तुलना की जाए तो एक कार्बन पे एक साइड में अमीनो एसिड है, एक साइड पे अमीनो ग्रुप है, और दूसरे साइड पे एसिड ग्रुप है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है, तो एक एसिड ग्रुप है और एक अमीनो ग्रुप है। एंड जब एक ही कार्बन पे एक साइड अमीनो और एक साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हो तो ऐसा कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन, या कह सकते हैं कि इसमें जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो अब इस प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन कहलाता है वो है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अमीनो ग्रुप है, इसलिए ऐसे अमीनो एसिड को आप अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं। और अल्फा अमीनो एसिड्स का मतलब यह है कि अल्फा कार्बन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी जुड़ा हुआ है और अल्फा कार्बन से ही अमीनो ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो ऐसे ग्रुप्स को आप अमीनो एसिड के तौर पर कंसिडर करते हैं। कार्बन के पास होती है चार वैलेंसी, तो दो वैलेंसी तो उसका एक अमीनो और एक कार्बोक्सिलिक से जुड़ने में लग जाता है, एक वैलेंसी से वो जुड़ा होता है हाइड्रोजन से, और बचा एक बॉन्ड या एक वैलेंसी, और उस बॉन्ड से जो है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जो है जुड़े रहते हैं, और वो डिफरेंट ग्रुप्स जो है वेरी करते हैं, और इसीलिए जो है यहाँ पे आर ग्रुप का जो है कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर ग्रुप्स जो है वो यहाँ मिलेंगे, कहीं पे मिथाइल है, हाइड्रोजन है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आर ग्रुप्स जो है देखने को जो है यहाँ पे मिलते हैं। सो इन्हीं आर ग्रुप्स के बेसिस पे चीज़ों को जो है वो क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, समझा जाता है, अमीनो एसिड को जो है बांटा जाता है। तो अमीनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन के मोनोमर्स है। दे कंटेन्स द कार्बन, दे कंटेन्स द हाइड्रोजन, दे ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दे हैव द अमीनो एज वेल एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, एंड द अल्फा अमीनो का मतलब यह है कि जिस कार्बन से जो है वो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है उसी कार्बन से अमीनो ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो आप इसको जो है मेंशन करेंगे कि ये एक तौर पे आपका क्या है,
अमीनो एसिड से, और वो कैसा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड। जितने भी डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें उनका जो डिफरेंशिएशन है वो आर ग्रुप के बेसिस पे होता है। सो मूविंग अहेड, अगर आप यहाँ पे चर्चा करें तो अमीनो एसिड्स की जब बात की जाए तो आर ग्रुप जो है वो वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स में, जैसा कि मैंने बताया। एंड ग्लाइसिन के पास जो है वो आर ग्रुप के तौर पे हाइड्रोजन होता है। ग्लाइसिन हैज हाइड्रोजन एज अ आर ग्रुप, मतलब ग्लाइसिन के पास दो एच हो जाते हैं एक ही कार्बन पे, क्योंकि एक तो एच ऑलरेडी होता है और दूसरा एच आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो इसके पास दो एच हो जाते हैं। एंड याद रहे कि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स या मोस्ट ऑफ द अल्फा अमीनो एसिड शेयर्स द स्ट्रक्चर, मतलब सभी अमीनो एसिड में बैकबोन लगभग मोटा मोटी सेम होता है, जो वेरिएशन होता है उनके आर ग्रुप में होता है। एंड प्रोटीन, जबकि एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसको बोलते हैं प्रोलीन, और ये प्रोलीन एक यूनिक अमीनो एसिड है, क्योंकि इसके पास जो है वो प्राइमरी अमीनो एसिड नहीं है, इसके पास जो है वो सेकेंडरी अमीनो एसिड है। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सियरी अमीनो एसिड का जो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, प्राइमरी अमीनो एसिड का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब कार्बन के पास जो है सिर्फ एक नाइट्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड हो, लेकिन कार्बन के दो हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से कनेक्टेड हो, या आप जो है इसको तीन हाइड्रोजन भी मेंशन कर सकते हैं, ऐसा नाइट्रोजन जो कि उस कार्बन से जुड़ा हो जिसके कार्बन जो है दो हाइड्रोजन से जुड़ा है। तो या नॉट दिस वन, आप अगर अमीनो ग्रुप की बात करें नॉट कार्बन की, तो देखो अमीनो ग्रुप में कई सारे ग्रुप्स पाए जाते हैं, उसमें एक है एन। एन के पास जो है तीन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी होती है, अगर वो तीनों हाइड्रोजन बनाता है तो ऐसे को बोलते हैं आप अमोनिया, ये अमीनो ग्रुप नहीं कहलाता, NH3, और ये एक गैस होता है अमोनिया गैस। अब इस तीन जगह पे हो सकता है कि उसके पास दो हाइड्रोजन हो और एक जो है वो सिर्फ कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है, एक जो है सिर्फ कार्बन से जुड़ा हो, तो ऐसे को बोलते हैं आप प्राइमरी अमीनो ग्रुप। अब ये CNH2 हो जाता है, देखो एक तरफ कार्बन और दूसरी तरफ दो NH2, CNH2 प्राइमरी अमीनो। लेकिन कभी कभी नाइट्रोजन जो होते हैं वो दो तरफ के कार्बन से जुड़ जाते हैं और एक तरफ ही हाइड्रोजन रह जाता है। जब एक नाइट्रोजन ग्रुप दो हाइड्रोजन से दो कार्बन से जुड़ जा रहा है तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं सेकेंडरी अमीनो ग्रुप। और अगर एक नाइट्रोजन तीनों तरफ हाइड्रोजन हट के तीनों तरफ कार्बन से जुड़ जाए तो ऐसे जो है अमीनो ग्रुप को आप क्या कंसिडर करोगे, टर्सियरी अमीनो ग्रुप। तो इसीलिए जो है प्रोलीन और ग्लाइसिन में या बाकी के रेस्ट ऑफ अमीनो एसिड में जो है चीज़ें समझ में आती। जैसे ये स्ट्रक्चर आप देखें तो यहाँ पे COOH को जो मेंशन किया जा रहा है, ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, COOH का, और ये स्ट्रक्चर जो है NH2 अमीनो का। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से आप देख पा रहे हो तो ये एक ऐसा कार्बन है जो कि सेंट्रल कार्बन है और यही कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा, तो वी कैन से दैट कि ये जो है आपका अल्फा कार्बन। एंड इसके अलावा जब चर्चा किया जाए तो अल्फा कार्बन से ही अटैच्ड है आपका अमीनो ग्रुप, तो आप इस अमीनो एसिड को अल्फा अमीनो एसिड के तौर पे जो है वो कंसिडर करोगे। एंड जब कार्बोक्सिलिक एसिड की जब बात की जाती है तो वो भी इसी से जुड़ा हुआ। इसमें आर ग्रुप के तौर पे अगर आप देखिए तो हाइड्रोजन, और जब आर ग्रुप के तौर पे हाइड्रोजन है तो आप ऐसे अमीनो एसिड को ग्लाइसिन के तौर पे कंसिडर करते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट प्रोलीन, जब आप प्रोलीन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें देखिए ये है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जो है वो एक कार्बन से अटैच्ड है इधर भी और एक कार्बन से अटैच्ड है इधर भी, तो नाइट्रोजन के पास जो है वो दो कार्बन और एक हाइड्रोजन है। और अगर आप इसे स्ट्रक्चर से कंपेयर करिए, जब उसके पास दो कार्बन और एक हाइड्रोजन हो तो ऐसे ग्रुप्स को आप प्राइमरी अमीनो ग्रुप नहीं मेंशन करते, ऐसे को बोलते हैं आप सेकेंडरी अमीनो ग्रुप। इसीलिए जो प्रोलीन एक इकलौता अमीनो एसिड है जो कि सेकेंडरी अमीनो एसिड के तौर पे कहलाता है, और सेकेंडरी अमीनो एसिड को ही आप इमीनो एसिड भी बोलते हैं, तो ये एक इमीनो एसिड या सेकेंडरी अमीनो एसिड होता है। जबकि ग्लाइसिन जो होता है उसके पास अगर नाइट्रोजन को देखें तो दो हाइड्रोजन है और एक कार्बन है, सो दैट्स वाई ये जो है कहलाएगा आपका अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड के साथ साथ आप इसको प्राइमरी अमीनो एसिड भी कंसिडर कर सकते हैं, तो ये कहलाएगा आपका प्राइमरी अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये कंसिडरेशंस जो है वो आपको देखने को मिलता है। ये है अमीनो एसिड के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें और उनके बारे में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। कुछ और देखने की चर्चा करते हैं अमीनो एसिड्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो एक मोनोमर है प्रोटीन के जैसा, और वो उस मोनोमर में जो है अमीनो ग्रुप भी हो सकता है और एसिडिक ग्रुप भी हो सकता है, और अमीनो ग्रुप जो है वो अल्फा कार्बन से अटैच्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और अगर अल्फा कार्बन से अटैच्ड है तो ऐसे अमीनो एसिड्स को जो है आप अल्फा अमीनो एसिड कंसीडर करते हैं, और अगर वो अल्फा कार्बन से अटैच नहीं है तो ऐसे अमीनो एसिड्स को जो है वो आप जो इस कार्बन से अटैच होगा वो उस अमीनो एसिड से कंसीडर करेंगे।
हर एक अमीनो एसिड जो है वो प्राइमरी अमीनो ग्रुप को कैरी नहीं करता। जैसा कि आप अमीनो एसिड की बात करें तो कुछ अमीनो एसिड्स हैं या मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स हैं जो अमीनो ग्रुप यानी प्राइमरी अमीनो ग्रुप को कैरी करते हैं, लेकिन प्रोलीन एक ऐसा अमीनो एसिड्स है जो प्राइमरी अमीनो एसिड्स को कैरी नहीं कर रहा या प्राइमरी अमीनो ग्रुप को कैरी नहीं कर रहा, वो सेकेंडरी अमीनो ग्रुप को कैरी कर रहा है और इसीलिए उसको इमीनो एसिड या सेकेंडरी अमीनो एसिड बोलते हैं। अब अगर हम अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज की बात करें तो अमीनो एसिड में जिस कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा होता है उस कार्बन को आप अल्फा कार्बन के तौर पे जो है वो कंसीडर करते हैं, जैसा कि मैंने बताया। और अल्फा कार्बन जो होते हैं वो डिफाइन किए जाते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा है और उसी से डिफाइन जो है बाकी के नोमेनक्लेचर होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको शो कर रहा हूँ ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर एंड आप देखें तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है जिस कार्बन से अटैच है वो है अल्फा कार्बन और उसी अल्फा कार्बन से जो है अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए ग्लाइसिन को आप अल्फा अमीनो एसिड की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि इसमें जो अमीनो ग्रुप है वो अल्फा कार्बन से जो है वो अटैच्ड है। लेकिन सवाल आता है कि क्या हर केसेस में जो है अमीनो एसिड अल्फा कार्बन से ही अटैच्ड होगा? तो ऐसा नहीं है। जब आप देख पा रहे होगे कि इन द केस ऑफ लाइसिन, तो लाइसिन के केस में जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप देख रहे हैं, इस कार्बोक्सिलिक एसिड से ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन है लाइक दिस है। उससे फिर नंबरिंग जो ग्रीक नंबरिंग होती है अल्फा के बाद बीटा, बीटा के बाद गामा, डेल्टा, अपसाइलेन एंड सो ऑन। तो अल्फा फिर उसके बाद बीटा फिर उसके बाद गामा फिर उसके बाद डेल्टा एंड एप्साइलेन सो ऑन। अब इसमें अमीनो ग्रुप के पोजीशन को आप शो किया जाए तो जो अमीनो ग्रुप है, तो जब आप अमीनो ग्रुप की बात करेंगे तो अमीनो ग्रुप अल्फा कार्बन से भी अटैच्ड है और अमीनो ग्रुप जो है वो आपके लाइसीन जो है वो अपसाइलेंट कार्बन से भी अटैच्ड है। तो लाइसीन अमीनो एसिड में दो अमीनो ग्रुप है क्योंकि तो इसके आर ग्रुप में भी अमीनो ग्रुप है और वो आर ग्रुप में जो अमीनो ग्रुप है वो अपसाइलेंट कार्बन से अटैच्ड है और जो एक अमीनो ग्रुप जो प्राइमरी अमीनो ग्रुप है वो अल्फा कार्बन से अटैच्ड है। तो इसमें एक आप मेंशन कर सकते हैं जो कि प्राइमरी अमीनो ग्रुप है और एक जो है वो कैसा है वो है साइड ग्रुप। तो दो अमीनो ग्रुप है अल्फा से भी जुड़े हुए और एप्साइलिन से भी जुड़े हुए, तो ऐसे अमीनो एसिड्स को आप अल्फा अमीनो एसिड भी कंसिडर करेंगे एज वेल एज एप्साइलिन अमीनो एसिड भी कंसिडर करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ अमीनो ग्रुप पोजीशन कि अमीनो ग्रुप किस कार्बन से अटैच्ड है आपको कई सारे अमीनो एसिड्स के जो नॉमेनक्लेचर देखने को मिलते हैं इधर बीटा अल्फा गामा डेल्टा एंड एप्साइलिन सो ऑन। अमीनो ग्रुप अगर बीटा से अटैच्ड होगा तो वो अमीनो एसिड बीटा अमीनो एसिड कहलाएगा, गामा से होगा तो गामा कहलाएगा, डेल्टा से होगा तो डेल्टा कहलाएगा, एप्साइलिन से लाइसिन के केस में है तो इसलिए यहाँ पे लाइसिन कहलाएगा। और स्टैंडर्ड अमीनो एसिड के केसेस में अल्फा और एप्साइलिन ही देखने को मिलते हैं, बाकी के अमीनो एसिड्स जिसमें बीटा या गामा होते हैं वो नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड के तौर पर कंसिडर किए जाते हैं। तो हो सकते हैं अगर फ्यूचर में आपने कोई ऐसा अमीनो एसिड ढूंढा जो कि अल्फा की जगह कोई और हो एप्साइलिन की जगह कोई और हो तो बात अलग है। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि अल्फा और बीटा नॉमेनक्लेचर का बेसिक सेंस जो है वो क्या कहते हैं। जब हम बात करते हैं तो अमीनो एसिड के पास जो है एक ड्यूअलिटी नेचर है। ड्यूअलिटी नेचर का मतलब द अमीनो एसिड इज हैविंग ड्यूअल नेचर। ड्यूअल का मतलब ड्यूअल कैरेक्टर, दो कैरेक्टर्स। अब इसके पास जो है वो दो नेचर है और दो नेचर का मतलब ये है कि इसके पास एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी है। अगर आपने अभी मेरे पिछला वाला सेशन देखा होगा जो है पीएच कॉन्सेप्ट और पीके कॉन्सेप्ट का, तो वो आपको समझ में आया होगा कि उसमें मैंने जो है पीएच पीके में एक एम्फोटेरिक वर्ड यूज़ किया था और एज वेल एज एक टर्म यूज़ किया था एम्फीप्रोटिक। तो उसी सिलसिले में जो है अगर हम बातचीत करें तो अमीनो एसिड्स जो है वो डुअल नेचर के, मतलब अमीनो एसिड के पास जो है अमीनो ग्रुप्स भी हैं और एज वेल एज क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स भी हैं। ठीक है, तो अगर आप चर्चा करें तो अमीनो एसिड्स हैव द अमीनो ग्रुप्स एज वेल एज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। अमीनो ग्रुप्स का मतलब है कि इनके पास NH2 ग्रुप्स भी हैं और साथ में जो है COH ग्रुप भी है। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रोटॉन को डोनेट करने के लिए जाना जाता है जबकि अमीनो ग्रुप का बेसिक नेचर जो है वो एक्सेप्ट करने का, लेकिन एक ग्रुप प्रोटॉन डोनेट और एक्सेप्ट दोनों कर सकता। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर कोई भी ग्रुप जो है वो प्रोटॉन डोनर है तो डोनेट करने के बाद उसका नेचर एक्सेप्टर जैसा हो जाएगा और कोई ग्रुप अगर प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो उसका एक्सेप्ट करने के बाद उसका नेचर डोनर जैसा हो जाएगा। तो वो नेचर जो है वो बदलता रहता है। फिलहाल के तौर पे एट 7.4 pH जो एक कह सकते हैं कि ह्यूमन के केसेस में बेस न्यूट्रल pH या जो बायोलॉजिकल pH कंसीडर किया जाता है, आप न्यूट्रल तो नहीं बोल सकते, दिस इज द बायोलॉजिकल pH कि हमारे जो फ्लूइड होता है या बॉडी फ्लूइड होता है वो जिस pH पे
ऑपरेट कर रहा होता है वो पीएच जो है वो 7.4 है। तो इन पीएच पे जब बात किया जाता है तो जो अल्फा अल्फा अमीनो ग्रुप्स होते हैं, अल्फा अमीनो ग्रुप्स प्रोटोनेटेड है मतलब, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो डी प्रोटोनेटेड होते हैं। अब डी प्रोटोनेटेड एंड प्रोटोनेटेड का क्या मतलब है कि कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो जब हाइड्रोजन से बाइंडेड है तो प्रोटोनेटेड कहलाएगा, और जैसे ही ये जो है क्या करेगा अपना प्रोटॉन डोनेट करके जो है COO- में कन्वर्ट हो जाए तो ये डी प्रोटोनेटेड हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि डी प्रोटोनेटेड होगा क्या, तो इसके लिए आपको पीके का कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है, और पीके में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पीके का बेसिक सेंस क्या है, दैट आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात होती है कि कौन सा ग्रुप कितना तेजी से आयोनाइज कर रहा है या टेंडेंसी टू डोनेट द प्रोटॉन कितना ज़्यादा। और मैंने ये चीज़ आपको बताया कि पीके जो है वो टेंडेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब पीके और टेंडेंसी की जब बात की जाती है तो जितना कम पीके होगा उतनी ही ज़्यादा टेंडेंसी होगी, मतलब COH की पीके जो है वो वैल्यू कम होगी तभी तो उसकी टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा होगी, और अमीनो ग्रुप का पीके जो होता है वो ज़्यादा होता है और इसी वजह से जो है आपका टेंडेंसी कम होता है। और पीएच और पीके का रिलेशन भी मैं आपको इस्टेब्लिश करके दिखा चुका हूँ हैंडसल हैसलबैक इक्वेशन में कि पीएच इज इक्वल टू पीके लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड करके, ये सब प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया जा चुका है ठीक है। तो उसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, यानी अमीनो एसिड के पास दो ऐसे ग्रुप्स हैं जो इसमें से एक एसिड की तरह काम कर रहा है और दूसरा जो है वो बेस की तरह काम कर रहा है। और जब अमीनो ग्रुप प्रोटोनेटेड होता है तो ये देखिए अमीनो ग्रुप जब प्रोटोनेट होगा तो ये NH3+ के फॉर्म में रहता है, और ये H+ जब डोनेट करेगा तो क्या करेगा कि फिर या बेसिस की जब बात करते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स है, तो अब NH2 जनरली प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, बेस है क्योंकि NH2 अमीनो ग्रुप क्या है बेस है, बेस ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो किस में कन्वर्ट हो जाता है NH3+ में, तो NH3+ जब होता है तब प्रोटोनेटेड है और जब ये डी प्रोटोनेटेड है। अब जब प्रोटोनेटेड है तो NH3+ प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कर रहा है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जब प्रोटोनेटेड है तब डोनेट करने की टेंडेंसी रखा है, और जब प्रोटॉन डोनेट कर लेते हैं तो डी प्रोटोनेटेड हो जाते हैं, और डी प्रोटोनेटेड फॉर्म जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं चाहे वो कार्बोक्सिल का हो चाहे वो अमीनो का ठीक है, लेकिन दोनों का पीके वैल्यू अलग अलग होगा, जिस पीके वैल्यू पे कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा और जिस पीके वैल्यू पे अमीनो ग्रुप प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो दोनों अलग हो गए क्योंकि नेचर दोनों का अलग है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड है और अमीनो ग्रुप बेस है, इसी वजह से पीके जो है अंतर आता है। मैं अगर आपको बताऊँ तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पीके अप्रॉक्सीमेट 3 के आसपास जाता है या 2.5 के आसपास जाता है, एंड जो अमीनो ग्रुप का पीके होता है प्रोटॉन को डोनेट करने का वो अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 के बीच में होता है, तो मैं 8 कंसिडर करके चल रहा हूँ। तो अगर आप थोड़ा सा समझ हैं तो देखिए कि पीके वैल्यू कम होगा तो टेंडेंसी प्रोटॉन के डोनेट करने की ज़्यादा है, और आप देखिए तो COH की प्रोटॉन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। अब इनमें से एक जो COH ग्रुप है वो जब डी प्रोटोनेट हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज कंट्रीब्यूट करता है, जबकि अमीनो ग्रुप जब प्रोटोनेट हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी अमीनो एसिड पे एक ग्रुप जो है वो पॉजिटिव चार्ज कंट्रीब्यूट कर रहा है दैट इज अमीनो ग्रुप, और एक ऐसा ग्रुप है जो कि नेगेटिव चार्ज कंट्रीब्यूट कर रहा है दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और जब कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी कैरी हो रहा है और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी कैरी हो रहा है तो आप ऐसे मॉलिक्यूल को ज्विटर आयन मॉलिक्यूल के तौर पे कंसिडर करते हैं या ज्विटर आयनिक मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं एट फिजियोलॉजिकल पीएच, क्योंकि फिजियोलॉजिकल पीएच पे जो है दोनों ही चार्ज उसके पास होते हैं, पॉजिटिव आयन भी होते हैं और नेगेटिव आयन भी होते हैं, इसको डिटेल में हम टाइट्रेशन में जो है चर्चा करेंगे। आयोनाइजेशन जो आप अमीनो एसिड के ड्यूअलिटी नेचर को शो करते हैं वो पीएच के साथ बदलता है, और इस आयोनाइजेशन जो प्रोसेस होता है पीएच के साथ चेंज जो होता है इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं टाइट्रेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स। सो द ड्यूअलिटी नेचर ऑफ द अमीनो एसिड दैट ज्विटर आयनिक नेचर ऑफ द अमीनो एसिड और द अमीनो एसिड इज कैरिंग द पॉजिटिव आयन एज वेल एज द नेगेटिव आयन एट द सेम मॉलिक्यूल, तो इसी को बोलते हैं अमीनो एसिड ड्यूअलिटी, अमीनो एसिड जो है ड्यूअल नेचर की तरह शो करते हैं। लो पीएच पे कौन पॉजिटिव है कौन नहीं है इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हम चर्चा करेंगे टाइट्रेशन में, टेंशन मत लीजिएगा ऐसा क्यों हो रहा है ठीक है। तो ड्यूअलिटी के केसेस पे मैंने आपको समझाया है कि जैसा आप देखेंगे तो एट द लो पीएच अगर पीएच बहुत कम है तो ज़्यादातर अमीनो एसिड जो है वो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं, और अगर पीएच बहुत ज़्यादा है पीएच बहुत या कह सकते हैं इंटरमीडिएट है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज भी होता है एज वेल एज नेगेटिव चार्ज भी होता है, मतलब पीएच लो है तो किसी भी अमीनो एसिड पे पॉजिटिव चार्ज आप शो करते हैं नेट पॉजिटिव चार्ज,
और अगर पीएच इंटरमीडिएट है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन नेट चार्ज जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि पॉजिटिव चार्ज के नंबर कितने हैं और नेगेटिव चार्ज के नंबर कितने हैं। लेकिन अभी किस पीएच पे जाके बराबर होता है, नेट चार्ज जीरो होता है, उसी को आप पीआई के तौर पे भी कंसीडर करते हैं। यहीं पे लोड आता है पीआई, जिसको आप बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, और ये काफ़ी रोल भी प्ले करता है कई सारी चीज़ों में। चाहे वो टेक्निक जब आप पढ़ोगे तो पीआई का रोल आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग में, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में आएगा। इसके अलावा कई अलग जगहों पे जो है पीआई का रोल आपको देखने को मिलता है। साथ में अगर पीएच बहुत बढ़ा देते हैं तो उस केसेस में जो है अमीनो एसिड पे नेट चार्ज जो है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे टाइट्रेशन के बेसिक्स है। अब लो पीएच का मतलब है कि यहाँ पे जो है एच प्लस बहुत ज़्यादा जो है वो हाई होता है, क्योंकि पीएच और एच प्लस का जो रिलेशन है वो इन्वर्स होता है। और अगर पीएच बहुत कम है तो एच प्लस का अमाउंट जो है वो काफ़ी ह्यूज आप शो करोगे, एंड जब एच प्लस का अमाउंट ह्यूज शो करोगे तो आपके जो दो ग्रुप्स हैं, अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप वो भी प्रोटोनेटेड होगा और अल्फा अमीनो ग्रुप वो भी प्रोटोनेटेड होगा। अब अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब प्रोटोनेटेड होता है तो वो COH के फॉर्म में रहेगा, नेट चार्ज जीरो कैरी करेगा, जबकि अल्फा अमीनो ग्रुप प्रोटोनेटेड होगा तो +1 चार्ज कैरी करता है, इसलिए नेट चार्ज पॉजिटिव आता है। जब आप इंटरमीडिएट पीएच में जाते हैं तो यहाँ पे एच प्लस का अमाउंट जो है वो एक इंटरमीडिएट लेवल पे होता है, और इस इंटरमीडिएट लेवल पे होने की वजह से एच प्लस वही डोनेट करेगा जिसका नेचर होगा, वो डोनेट नहीं करेगा जिसका नेचर नहीं है। जैसे अब इस इंटरमीडिएट लेवल पे COH की बात करें तो क्योंकि लगभग pH 7 के आसपास, अगर इर्द गिर्द में pKa की बात करो, चलो pKa जो है वो भी अगर 7 है तो लगभग 3 pKa होता है आपके इसका COH का, मैं बता चुका हूँ, और लगभग pKa 8 होता है आपके NH3 का। अगर मैं pH को pKa के लगभग इक्विवेलेंट लेकर चलूँ, और pH pKa के इक्विवेलेंट होगा कब, जब सॉल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाए। इस इक्वेशन से आप रिलेट कर सकते हैं कि pH इज इक्वल टू pKa प्लस सॉल्ट अपॉन एसिड। तो अगर सॉल्ट और एसिड, लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, तो अगर सॉल्ट अपॉन एसिड का जो रेशियो अगर इक्वल कर दीजिए तो log 1 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जब सॉल्ट अपॉन एसिड बराबर होगा तो pH जो है वो pKa के बराबर होगा। तो अगर मैं pKa को और pH को एग्ज्यूम करके चलूँ तो 3 pH के बाद ये प्रोटॉन तो डोनेट ही कर देगा, और 7 के आसपास तो आराम से कर देगा। तो अगर आप इस pH के इर्द गिर्द देखोगे, 7 के इर्द गिर्द, ठीक है, और मान के चल रहे हो कि pH और pKa बराबर है, तो आप खुद जो है कहोगे कि इस pH के जो है देखा जाए तो ये तो 3 के ऊपर है। और आपको पता है कि जैसे pH 3 के इर्द गिर्द होगा, ये COH अपना प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा। तो ड्यू टू दिस नेचर, दिस COH इज गोइंग टू डोनेट द प्रोटॉन, एंड डोनेट कर देगा तो ये नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। लेकिन द अल्फा अमीनो ग्रुप, बिकॉज इट इज बेस, इसकी टेंडेंसी कम है, इसका pKa ज़्यादा है, तो ये प्रोटॉन डोनेट अभी नहीं करेगा। ये तब करेगा जब इसका pKa अचीव हो, दैट इज 8 अचीव हो। और अगर आपने pH 14 कर दिया, मतलब आपने pH बहुत ज़्यादा कर दिया, एंड जब बहुत ज़्यादा आपने pH कर दिया तो इसका मतलब है कि एक तो प्रोटॉन डोनेट कर ही चुका है, अमीनो ग्रुप के पास भी कोई चांसेस नहीं है कि प्रोटॉन रखे। अब वो प्रोटॉन डोनेट करेगा और जीरो चार्ज में हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है टाइट्रेशन कैरी आउट होता है। एच प्लस बढ़ रहा है तो किस तरीके से जो है ग्रुप प्रोटोनेट एंड डी प्रोटोनेट हो रहा है। कोई भी जब प्रोटॉन को कैरी कर रहा रख रहा है तो प्रोटोनेट है, और जब रिलीज कर दे रहा है, जैसे आप सेकेंड केस में देखें तो ये डी प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और अभी अमीनो स्टिल प्रोटोनेटेड था, तो एक प्रोटोनेटेड है, डी प्रोटोनेटेड, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है। ऐसे ही स्टेजेस को कहते हैं ज्विटर आयन स्टेजेस। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों आ जाते हैं तो दीज काइंड ऑफ स्टेजेस इज कंसिडर्ड एज ज्विटर आयन स्टेजेस। ऐसे ही स्टेजेस को क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन स्टेजेस जो है वो मेंशन करते हैं। एंड सिमिलर केसेस में जो है हाई पीएच पे आपको सिर्फ नेगेटिव चार्ज जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि लॉजिक है कि यहाँ पे एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम हो चुका है, और जब कम हो चुका है तो डीप्रोटोनेशन प्रोसेस जो है वो कैरी आउट होगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का तो डीप्रोटोनेशन हो ही चुका है, अब अमीनो भी कर देगा, एंड इसी वजह से नेट चार्ज जो है वो नेगेटिव के तौर पर कंसिडर होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स ऑफ अमीनो एसिड डुअलिटी है, मतलब एक अमीनो एसिड के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही चार्ज कैरी हो सकते हैं, और दैट कंडीशन इज नोन एज ज्विटर आयन। तो ये चीज़ जो है वो आपको दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। बाकी का जो किस्सा है अभी टाइट्रेशन जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको कि क्या हो रखा है, ठीक है। मूविंग अहेड, आगे अगर हम मूव करने की कोशिश करें तो अमीनो एसिड ड्यूअलिटी में मैंने आपको बताया कि लो और हाई पीएच पे क्या हो रहा है, और
इसी वजह से आप अमीनो एसिड को एम्फीप्रोटिक भी कंसिडर कर सकते हैं। अब एम्फीप्रोटिक का मतलब क्या है? एम्फीप्रोटिक का तो यही मतलब होता है कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास ऐसे ग्रुप्स हो जो प्रोटॉन को डोनेट भी कर सके और प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सके। और अमीनो एसिड के पास है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और अमीनो ग्रुप है जो प्रोटॉन को डोनेट भी करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं स्पेसिफिक पीएच पे, तो इसलिए आप इसको जो है एम्फीप्रोटिक भी बोलते हैं। और जब प्रोटॉन को डोनेट और एक्सेप्ट दोनों कर सकता है तो इसका नेचर बेस और एसिड दोनों की तरह काम करेगा, और इसी वजह से आप जो है बोलोगे कि ये एम्फीप्रोटिक के साथ साथ जो है एम्फोटेरिक भी है, क्योंकि ये जो है बेसिक तौर पे कैसा बिहेव कर रहा है, एसिड और बेस दोनों की तरह। तो अमीनो एसिड्स आर एम्फीप्रोटिक, मतलब एक्सेप्ट और डोनेट दोनों कर सकते हैं प्रोटॉन को, एज वेल एज एम्फोटेरिक एसिड और बेस दोनों की तरीके से जो है बिहेव करते हैं। ठीक है, सो मूविंग अहेड द सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड, एंड द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। जो पहली प्रॉपर्टी है वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है। एंड अगर हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इन द केस ऑफ ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑल अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब अगर ग्लाइसिन को छोड़ दिया जाए तो ग्लाइसिन के छोड़ने के बाद लगभग एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऐसा क्यों है? ग्लाइसिन देखो कायरल सेंटर की कहानी जो है वो इसमें आती है। अब ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ग्लाइसिन के पास जो है जिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है। अब इसमें कायरलिटी का कॉन्सेप्ट कैसे इन्वॉल्व होता है? एक कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिसमें दो कायरल सेंटर होते हैं, और उनका एग्जाम्पल मैंने यहाँ मेंशन किया आइसोल्यूसिन और थ्रियोनीन। ये दो ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिसमें दो कायरल सेंटर है। कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स है जिसमें जीरो कायरल सेंटर है जैसे ग्लाइसिन, कुछ ऐसे हैं जिसमें एक होते हैं और कुछ ऐसे जिसमें दो होते हैं। अब दो वाले तो थ्रियोनीन और आइसोल्यूसिन है, और अगर आप चाहे तो बाकी वन वाले याद रख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर इन तीनों को एलिमिनेट कर दे तो जितने भी रेस्ट अमीनो एसिड्स होंगे वो सभी जो है वो वन कायरल सेंटर वाले हैं। ग्लाइसिन जीरो, आइसोल्यूसिन एंड थ्रियोनीन दो, एंड रेस्ट आर वन। बट वॉट इज कायरलिटी? लेट्स टॉक अबाउट द कायरलिटी। कायरलिटी का मतलब ये है कि ऐसा सेंटर जिसके पास फोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हो, मतलब फोर डिफरेंट एटम्स हो, फोर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो, ऐसा कार्बन ऐसा सेंटर जिसके चार डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स जो हैं वो चार अलग अलग ग्रुप्स हो सेम ना, और कायरल मॉलिक्यूल के पास यही प्रॉपर्टी होती है, और वो ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रॉपर्टी कहलाता है रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट। सवाल आता है कि पहले किसी मॉलिक्यूल को आप कायरल कहेंगे कब? आप उसको कायरल तभी कहेंगे जब उसके पास चार डिफरेंट जो है वो क्या हो, चार डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। और जब किसी कार्बन के पास चार डिफरेंट जो है एटम्स है, जैसे आप ग्लाइसिन की बात करें तो ऐसा नहीं है, ग्लाइसिन के पास जो है दो हाइड्रोजन है, एक तरफ तो कार्बोक्सिल समझ में आ रहा है, एक तरफ अमीनो समझ में आ रहा है, एक तरफ हाइड्रोजन है लेकिन दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन है, एंड दैट्स वाई फोर्थ वन इज हाइड्रोजन। एंड दो हाइड्रोजन होने की वजह से ऐसा सेंटर या ऐसा अमीनो एसिड एक कायरल अमीनो एसिड के तौर पे कहलाता है। अब एक कायरलिटी और कायरल अमीनो एसिड के बीच में डिफरेंस क्या है? तो किसी अमीनो एसिड जिसके पास कायरलिटी होती है वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं, आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब किधर भी रोटेट करेंगे उसके बेसिस पे उनका जो है नाम रखा जाता है। याद रहे कि मॉलिक्यूल जिनके पास कोई सिमेट्री नहीं है वो कायरल होते हैं, और जिनके पास सिमेट्री नजर आएगा वो कायरल नहीं होंगे, और नॉन कायरल मॉलिक्यूल्स ही जो है ए कायरल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। यानी अगर मैं ग्लाइसिन को मेंशन करूँ तो ग्लाइसिन को आप ए कायरल अमीनो एसिड भी बोल सकते हैं। ए कायरल का मतलब ऐसा अमीनो एसिड जो कायरल नहीं है, ठीक है, एंड कायरल मॉलिक्यूल जिसमें कायरलिटी है। और इसी बेसिस पे जो है जीरो कायरल सेंटर हो तो ग्लाइसिन, एक कायरल सेंटर हो तो रेस्ट अमीनो एसिड, एंड दो हो तो आइसोल्यूसिन एंड थ्रियोनीन। कायरलिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जैसा मैंने बताया कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को जो है वो रोटेट करते हैं, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल को आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल बोलते हैं या स्मॉल डी बोलते हैं, प्लस बोलते हैं। और कुछ ऐसे जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कायरल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज की जगह वो एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज मैनर में जो है वो काम करते हैं। ऐसे रोटेट करेंगे तो हम ऐसे अमीनो एसिड्स को लीवो रोटेटरी या स्मॉल एल कंसिडर करते हैं।
याद रहे यहाँ पे जो नॉमेनक्लेचर है वो स्मॉल डी और स्मॉल एल को जो है रिफर किया जाता है, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का जो है नॉमेनक्लेचर स्मॉल डी और स्मॉल एल आइसोमर, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी चलता है, क्योंकि कैपिटल डी और कैपिटल एल आइसोमर जो है वो अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं, स्मॉल डी और स्मॉल एल एंड कैपिटल डी एंड कैपिटल एल आर द सेम, बट ऐसा नहीं है। जब भी स्मॉल डी और स्मॉल एल आपको मेंशन किया जाए तो ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, ये डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी से रिलेटेड है, ये प्लेन पोलराइज लाइट के रोटेशन से रिलेटेड है, ये जो है कायरलिटी से रिलेटेड है, लेकिन ये जो है वो अमीनो ग्रुप के पोजीशन से रिलेटेड नहीं होता, लेकिन लोग रिलेट करता है, क्यों करता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब यहाँ पे एक अमीनो एसिड आप देख रहे होंगे ग्लाइसिन, ग्लाइसिन एक आयरल था, लेकिन एक अमीनो एसिड मैंने और शो किया हुआ वो है आपका एलेनिन। और जब ग्लाइसिन से एलेनिन की बात करते हैं तो एलेनिन पे चार डिफरेंट ग्रुप है, एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप और एक तरफ हाइड्रोजन ग्रुप, एक तरफ अमीनो ग्रुप और एक तरफ जो है मिथाइल ग्रुप, और चार अलग अलग ग्रुप्स जो हैं वो जब किसी कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच हो तो ऐसा कायरल या ऐसा सेंटर जो है क्या कहलाएगा, कायरल सेंटर, या ऐसा अमीनो एसिड क्या कहलाएगा, कायरल अमीनो एसिड। तो कोई भी अमीनो एसिड कायरल भी हो सकते हैं और एक कायरल भी हो सकते हैं, लेकिन उसके एग्जाम्पल्स के तौर पर मैंने कुछ शो किए यहाँ पे कि कौन से कायरल है कौन से नहीं। और जो कायरल मॉलिक्यूल की बात हो रही थी वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी स्पेसिफिक रोटेशन। जैसा मैंने बताया कि कायरल और एक कायरल मॉलिक्यूल के बीच में एक प्रॉपर्टी का डिफरेंस है और वो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, और ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑप्टिकल रोटेशन पे है, ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन पे, ये एब्जॉर्प्शन वगैरह से बात नहीं हो रही। यहाँ पे जो है कायरल और एक कायरल का जो है रोल एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है नहीं, ये जो है रोटेशन से रिलेटेड है, और रोटेशन जो है वो कोई भी कायरल मॉलिक्यूल कर सकता है, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन रीलोकलाइजेशन जैसे चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है। अगर स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक वेवलेंथ और स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन पे एक प्लेन पोलराइज लाइट को एक ऐसे सैंपल से पास किया जाए जो कायरल है, तो उस प्लेन पोलराइज लाइट को वो रोटेट करेगा आइदर इन द क्लॉकवाइज मैनर और इन द एंटी क्लॉकवाइज मैनर। सो वेन एवर यू कंसिडर इट, जब भी आप इसको देखोगे तो स्पेसिफिक रोटेशन के लिए यहाँ पे आप शो किए। स्पेसिफिक रोटेशन को बोला जाता है कि ऑब्जर्व्ड रोटेशन, ये स्पेसिफिक रोटेशन है क्या, इट इज नथिंग, इट जस्ट एन ऑब्जर्व्ड रोटेशन, ये एक ऑब्जर्व्ड रोटेशन है विथ 1 डेसीमीटर पाथ लेंथ, जिसका पाथ लेंथ 1 डेसीमीटर जो है वो शो किया जा रहा है, एंड कॉन्सेंट्रेशन 1 ग्राम पर ml, एंड ये जो है यूनिक बिहेवियर को जो शो कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे कि एक लाइट सोर्स आपने रखा, अब लाइट सोर्स को जैसे ही आपने शो किया, लाइट सोर्स से जो है नॉर्मल लाइट निकलता है, और नॉर्मल लाइट जो निकलता है वो अनपोलराइज लाइट निकलता है, ठीक है, तो जो नॉर्मल लाइट निकल रहा है वो जनरली कैसा निकलता है, अनपोलराइज लाइट निकलता है। अब इस अनपोलराइज लाइट को जो है पहले आपको प्लेन पोलराइज लाइट या लीनियर पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करना है, सो अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट या लीनियर पोलराइज लाइट में रखने के लिए आपको एक पोलराइजर या पोलराइजिंग फिल्टर का जो है यूज करना है, जिसको आप पोलराइजर भी बोलते हो। इसका बेसिक काम है कि ये जो है लाइट को सिर्फ एक लाइन में जो है या एक प्लेन में जो मूव कर रहे हैं, अप डाउन ऐसे जो है मूव कर रहा है, जिसके मल्टी डायरेक्शंस नहीं है। जो लाइट सोर्स होते हैं वो नॉर्मल लाइट निकला उसके मल्टी डायरेक्शंस, मल्टी वेवलेंथ होते हैं, उसको जब पोलराइजर से पास करेंगे तो वो सिंगल डायरेक्शनल होगा। अब सिंगल डायरेक्शनल लाइट को जब आप पास करेंगे किसके साथ, किसी भी एक ऐसे सैंपल में जिसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 ग्राम पर ml है और जो पाथ लेंथ है वो 1 डेसीमीटर के तौर पर शो किया जाए, जब इससे वो पास करेगा और ये मॉलिक्यूल कायरल है, तो उस वो प्लेन पोलराइज लाइट को आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है रोटेट कर देगा, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या करेगा, रोटेट कर देगा। अब अगर क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो आप ऐसे कायरल मॉलिक्यूल को डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंसिडर करेंगे, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो लीवो रोटेटरी। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो रोटेशन किया है इसने वो रोटेशन जो है थीटा या अल्फा एंगल किया हुआ है वर्टिकल एंगल से, और उसी कितना उसने रोटेशन किया है उसी को बोलते हैं एंगुलर रोटेशन या स्पेसिफिक रोटेशन, और इसी रोटेशन को कैलकुलेट किया जाता है विद सम फॉर्मूलास। सो वेन एवर यू कंसीडर द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज यू कैन कैलकुलेट द स्पेसिफिक रोटेशन हियर, यू कैन कंसीडर दैट। देखिए मैंने एक प्लेन पोलराइज लाइट को शो किया और उसका जो है मूवमेंट का डायरेक्शन मैंने बताया कुछ ऐसा हो रखा है। अब ये जो है प्लेन पोलराइज लाइट जैसे किसी कायरल सैंपल से इंटरेक्ट करेगा, ये कायरल सैंपल जो है उसको क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब ये रोटेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है,
आइदर यहाँ से जो ये वर्टिकल मूव कर रहा है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन हियर यहाँ पे जो रोटेशन हुआ है, अगर आप देखोगे तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है। हियर द रोटेशन जो हुआ है वो रोटेशन कैसा हुआ? क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ। तो यहाँ पे जो रोटेशन आप शो कर रहे हैं वो क्लॉकवाइज है। अब सवाल आता है कि ये जो क्लॉकवाइज रोटेशन है, इस क्लॉकवाइज रोटेशन में कितना स्पेसिफिक एंगल यानी अल्फा जो है रोटेट हुआ है, कैसे आप इसको कैलकुलेट करते हैं या ऑब्जर्व रोटेशन? तो उसके लिए जो है ये है आपका फॉर्मूला, वेयर ए इज द ऑब्जर्व रोटेशन इन द डिग्रीज, ठीक है, सी इज द कॉन्सेंट्रेशन, एल इज द पाथ लेंथ इन डेसीमीटर, एंड द अल्फा इज अ स्पेसिफिक रोटेशन। अल्फा जो है वो उसका स्पेसिफिक रोटेशन है। तो स्पेसिफिक रोटेशन और ऑब्जर्व रोटेशन को इस तरीके से कर सकते हैं कि कितना जो है स्पेसिफिक रोटेशन उसका हुआ है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और वेवलेंथ, ठीक है। तो ये केस आप स्पेसिफिक रोटेशन को कैलकुलेट करना हो तो वो अल्फा हो जाता है एब ऑब्जर्व रोटेशन। ऑब्जर्व रोटेशन को कई लोग जो है थीटा भी लिखते हैं, कई लोग ए भी लिखते हैं, कई लोग थीटा लिखते हैं, तो थीटा इंटू सी एल भी बोल सकते हैं। अगर मैं थीटा को बोल रहा हूँ ऑब्जर्व रोटेशन एंगल में, डिग्री में, ठीक है, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, वॉट एवर, सी इज द कॉन्सेंट्रेशन एंड एल इज द पाथ लेंथ, तो आप ऐसे भी बोल सकते। तो वॉट आई हैव टोल्ड यू कि मेनी ऑफ द अमीनो एसिड्स मे बी कायरल एंड सम ऑफ द अमीनो एसिड्स मे बी ए कायरल लाइक ग्लाइसिन। इट डिपेंड्स अपॉन द कायरल सेंटर इन दैट अमीनो एसिड्स एंड एनी कायरल अमीनो एसिड्स ऑफ द कायरल मॉलिक्यूल कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट आइदर इन द क्लॉकवाइज मैनर और इन द एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज मैनर। वेन वन मॉलिक्यूल और वन टाइप ऑफ जो फॉर्म ऑफ द अमीनो एसिड कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इन टू द क्लॉकवाइज मैनर, वी विल से एज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म, उसी को हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म बोलते हैं। एंड जब कभी कोई स्ट्रक्चर जो है वो उसको काउंटर क्लॉकवाइज मैनर में रोटेट करता है तो हम उसी को लीवो रोटेटरी या स्मॉल एल के तौर पर कंसिडर करते हैं। याद रहे कि स्मॉल डी और स्मॉल एल का नाम क्यों पड़ा है डेक्स्ट्रो और लीवोस, ठीक है। एंड ऐसे आइसोमर्स जो ये काम करते हैं, मतलब एक आइसोमर जो है वो डेक्स्ट्रो कर रहा है और दूसरा आइसोमर जो है वो लीवो कर रहा है, तो ऐसे आइसोमर्स को ही आप इनांसियोमर भी कंसिडर करते हैं। दे आर नॉट सुपर इम्पॉसिबल इमेजेस, ठीक है। तो इनांसियोमर भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी से ही जो है रिलेटेड होता है अमीनो एसिड में। तो जैसा मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा अमीनो एसिड्स जनरली कायरल होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन, एंड कायरल अमीनो एसिड्स के पास जो है नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस है। मतलब एक इमेज को उठा के दूसरे पर रखोगे तो वो कैसे हो जाएंगे? नॉन सुपर इम्पॉसिबल, मतलब एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। लाइक हाउ यू कैन कंसिडर इट लाइक माई हैंड, अगर आप देखेंगे तो ये हैंड जो है इससे मिरर इमेज की तरह शो कर रहा है, लाइक सी, है ना। अब मिरर इमेज है क्योंकि जस्ट यहाँ पे अगर मिरर ऐसे लगा के रखेंगे तो इसका इमेज ऐसे ही बनेगा। अगर मैं इस हैंड को उठा के, इस स्ट्रक्चर को उठा के इस पे ओवरलैप करूँ तो देखो ये फिंगर्स जो है वो ओवरलैप नहीं कर पा रहे, मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर सुपर इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर एक स्ट्रक्चर ऐसा होता, सिमेट्री होती, इसका मिरर इमेज एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है, इसको उठा के रखते तो कोई एकदम सुपर इम्पोज कर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो सुपर इम्पॉसिबल इमेजेस है, वो इनांसियोमर नहीं हो सकते। सो ऐसे मिरर इमेजेस पेयर्स जो कि सुपर इम्पोजिबल नहीं है, मतलब एक दूसरे को कवर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस को आप क्या बोलते हैं? इनांसियोमर। क्या बोलते हैं? इनांसियोमर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एलेनिन के स्ट्रक्चर की बात करूं तो अगर आप कार्बन यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं और ये हाइड्रोजन, अब आप देखें तो ये है कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इधर की तरफ आपने अमीनो ग्रुप को शो किया है और यहाँ पे आपने जो है CH3 को शो किया। अब जैसे ही आप इसके मिरर इमेज की बात करते हैं तो इसका मिरर इमेज जो है वो कैसे बनेगा? जो मिरर के नज़दीक है वो मिरर के नज़दीक होगा, मतलब ये कुछ ऐसा होगा HOOCC अल्फा, फिर ये हो जाएगा NH3+ और इधर की तरफ H और ये CH3। अब आप इन दोनों स्ट्रक्चर को उठा के एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरफ लेफ्ट में COH है और इधर की तरफ लेफ्ट में अमीनो ग्रुप है। दे आर नॉट गोइंग टू ओवरलैप ईच अदर। सो ऐसे इमेजेस को आप क्या मेंशन करते हैं? दे आर द नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेजेस। ऐसे इमेजेस ही क्या हो जाते हैं? नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेजेस दैट इज कंसीडर्ड एज इनांसियोमर्स, ठीक है। सो दिस इज द वन ऑफ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी
एनांसियोमर्स एज वेल एज द ऑप्टिकल रोटेशन विथ अमीनो एसिड्स. सो अमीनो एसिड्स आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन. दे हैव वेरी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ डुअल नेचर. दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ ज्विटर आयन. दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कायरलिटी. सम ऑफ द अमीनो एसिड्स आर ए कायरल लाइक ग्लाइसिन एंड सम ऑफ द अमीनो एसिड्स हैविंग द टू कायरल सेंटर लाइक आइसोल्यूसिन एंड थ्रियोनिन. बट लाइक यू कैन से दैट कि इनांसियोमर्स आर दोज कायरल मॉलिक्यूल्स हैविंग द स्ट्रक्चर ऑफ नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस. ठीक है, मूविंग अहेड. कि ये कुछ प्रॉपर्टीज के अलावा एक प्रॉपर्टीज को जो शो किया जाता है वो डी और एल नॉमेनक्लेचर पे शो किया जाता है, जिसको हम डीएल सिस्टम बोलते हैं. बी क्लियर विद दैट द स्मॉल डीएल सिस्टम वाज डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी सिस्टम, बट दिस कैपिटल डीएल सिस्टम इज नॉट योर डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी सिस्टम. सम ऑफ पीपल विल से दैट डीएल सिस्टम फिर ये क्या है. ये ड्राइविंग लाइसेंस मत समझ लेना डीएल सिस्टम को. यहाँ पे कैपिटल डी और कैपिटल एल का जो नॉमेनक्लेचर होता है वो प्लेन पोलराइज लाइट के रोटेशन के बेसिस पे नहीं है, जो कि स्मॉल डी और स्मॉल एल के साथ हो रहा था. इनका जो नॉमेनक्लेचर होता है वो इस बात पे होता है कि अमीनो ग्रुप का जो पोजीशन है वो किस तरफ है. अमीनो जो ग्रुप का पोजीशन राइट की तरफ है या अमीनो ग्रुप का पोजीशन लेफ्ट की तरफ है. याद रहे कि ठीक है, अभी मैंने जो आपको शो किया है कि जो कैपिटल एल एंड कैपिटल डी अमीनो एसिड्स है दे कैन बी नॉन सुपर इम्पोजिबल एज वेल. ठीक है, लेकिन बेसिक दोनों का सेम नहीं है. मतलब कैपिटल डी और स्मॉल डी आइसोमर का फॉर्म लगभग एक ही होता है. जो आपका कैपिटल डी अमीनोसिड होता है अक्सर वही डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेकिन दोनों का नाम देने का जो बेसिस है वो अलग है. तो वो ध्यान होना चाहिए कि कैपिटल डी और कैपिटल एल का नाम इन क्लेचर कहाँ से है. फिशर प्रोजेक्शंस में अगर आपका जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लेफ्ट है तो वो लेफ्ट रखते थे और राइट की तरफ है तो राइट रखते थे फिशर प्रोजेक्शंस में. अमीनो एसिड में इसी को रोटी जो है रिलेट किया जाता है अमीनो ग्रुप से. और फिशर प्रोजेक्शन जिन्होंने अपना नॉमेनक्लेचर एल और डी दिया था किसके ऊपर, ग्लिसरल डिहाइड के ऊपर से. ठीक है, तो ये देखो ग्लिसरल डिहाइड है. उन्होंने कहा कि अगर ग्लिसरल डिहाइड जो तीन कार्बन का कंपाउंड है जिसमें से अगर ओ एच ग्रुप जो है वो लेफ्ट की तरफ प्रेजेंट होगा, अगर ओ एच का ग्रुप लेफ्ट की तरफ प्रेजेंट है तो ये कहलाएगा एल ग्लिसरल डिहाइड, और अगर ओ एच ग्रुप जो है वो राइट की तरफ प्रेजेंट होगा तो ये कहलाएगा डी ग्लिसरल्डिहाइड. मतलब यहाँ पे जो है पोजीशन ऑफ ओ एच के बेसिस पे डिसाइड हुआ था. यही एल और डी आइसोमर आपके शुगर में भी जब आप पढ़ते हैं, क्योंकि ग्लिसरल्डिहाइड एक शुगर ही है, ट्रायोज है, तीन कार्बन का शुगर है, तो उसमें भी यही नॉमेनक्लेचर है. वहाँ पे बस ओ एच का है, लेकिन जब हम अमीनो एसिड की बात करते हैं तो ओ एच के बेसिस पे नहीं होता. यहाँ पे जो नॉमेनक्लेचर होता है वो होता है अमीनो के बेसिस पे. और अमीनो के बेसिस पे जब हम बात करें तो अमीनो ग्रुप का अल्फा कार्बन के किस तरफ है, लेफ्ट या राइट. अगर लेफ्ट की तरफ है तो ऐसे को आप बोलोगे एल अमीनो एसिड, और अगर वो अमीनो ग्रुप जो है वो राइट की तरफ प्रेजेंट है तो ऐसे को आप बोलोगे दैट इज डी अमीनो एसिड. तो द पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप ऑन द अल्फा कार्बन किस तरफ है ये डिसाइड करता है कि आप उसको डी अमीनो एसिड बोलोगे या एल अमीनो एसिड. और यहाँ पे डी और एल, कैपिटल डी और कैपिटल एल जो है वो शो किया जा रहा है, ना कि स्मॉल डी और स्मॉल एल. सो द डिफरेंस वुड बी क्लियर कि स्मॉल डी एंड स्मॉल एल आइसोमर का जो नाम दिया गया है वो प्लेन पोलराइज लाइट के रोटेशन के बेसिस पे, कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज लीवो रोटेटरी है. जबकि कैपिटल डी और कैपिटल एल का जो नॉमेनक्लेचर है वो इस बिना पे या इस प्रिंसिपल पे दिया गया है कि जो कैपिटल एल कहलाएगा जब अमीनो ग्रुप लेफ्ट होगा, और अगर अमीनो ग्रुप राइट में प्रेजेंट है तो कैपिटल डी कहलाएगा. ठीक है, सो डीएल सिस्टम कुछ इसी बेसिस पे जो है काम करता है. याद रहे कि जो है एल एलिनिन और ये मैं आपको शो कर चुका हूँ. इसी में एक और प्रॉपर्टी आती है आर एस नॉमेनक्लेचर की. तो मैंने आपको तीन प्रॉपर्टी शो करी, एक तो डुअलिटी की प्रॉपर्टी, ज्विटरैन की प्रॉपर्टी, एक ऑप्टिकल रोटेशन की प्रॉपर्टी, एक डीएल नॉमेनक्लेचर की प्रॉपर्टी. अब हम जो शो करने वाले हैं वो आर एस सिस्टम. अभी आर एस सिस्टम क्या करता है, कई सारे लोग इसको केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हैं और बड़ा मजा लेते हैं, क्योंकि कई कॉम्प्लेक्स फिनोमेना के तौर पे आप इसको शो करते हैं. ठीक है, लोग कहते हैं जी आर एस सिस्टम उनके यहाँ अप्लाई होता है या उन कंपाउंड्स में अप्लाई होता है जिसमें मल्टीपल कायरल सेंटर्स है. मतलब अगर एक कायरल सेंटर है तो आप आर एस सिस्टम को जनरली अप्लाई नहीं करते, लेकिन अगर मल्टीपल कायरल सेंटर है तो ज़्यादातर आर एस नॉमेनक्लेचर को यूज़ करते हैं.
एंड दे डिस्क्राइब द एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशंस विदाउट अ रेफरेंस, बिना किसी रेफरेंस के जो एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन जो है वो बता देते हैं। और यहाँ पे जो है वो एक रूल चलता है, और वो रूल है प्रायोरिटी रूल। यहाँ पे जो रूल चलता है आप उस रूल को क्या बोलते हैं, कि प्रायोरिटी रूल जो है वो अप्लाई हो रहा है। प्रायोरिटी रूल जो है बेस्ड होता है एटॉमिक नंबर पे, जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा उसको उतनी ही हायर प्रायोरिटी देनी। हायर द एटॉमिक नंबर हायर द प्रायोरिटी, यही जो है बात होती है। जैसे ऑक्सीजन की प्रायोरिटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा एटॉमिक नंबर कैरी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे कुछ ग्रुप्स में अमीनो एसिड्स में जो पाए जाते हैं, आर ग्रुप में जैसे सल्फर है, इसकी प्रायोरिटी पहले होगी। ऑक्सीजन OH ग्रुप है, इसकी प्रायोरिटी दूसरी होगी, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर ज़्यादा। फिर ऑक्सीजन, फिर अमोनिया, फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फिर CH2OH, CH3, NH, इस तरीके से होगा। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे छोटा, इसीलिए उसकी प्रायोरिटी जो है वो सबसे कम जो है वो शो की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर्स को जो है वो मेंशन किया जाता है। अभी सारे सिस्टम का एक एलेनिन के साथ एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें। एलेनिन का जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ ऐसा शो करते हैं। एक तरफ क्या होता है, अमीनो, एक तरफ जो है वो हाइड्रोजन को शो करेंगे आप, एक तरफ जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को शो करेंगे, एक तरफ अमीनो ग्रुप को शो करेंगे। अब अमीनो ग्रुप यहाँ पे लेफ्ट में प्रेजेंट है, तो आप ये मेंशन करेंगे कि ये जो है वो एल टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स है, और मैं स्ट्रक्चर एलेनिन का शो किया। इस एलेनिन में जब आप नंबर प्रोवाइड करते हैं, तो नाइट्रोजन को आप फर्स्ट हाईएस्ट नंबर प्रोवाइड करोगे। रीजन विद दैट कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो सबसे ज़्यादा है, तो आपने फर्स्ट दिया। अब सेकंड जो नंबर आप दोगे वो किसको दोगे, COOH को दोगे, क्योंकि CH3 और COOH में दोनों में कार्बन ही है, लेकिन COOH में कार्बन के बाद ऑक्सीजन आएगा, जबकि CH3 में कार्बन के बाद हाइड्रोजन आएगा, इसीलिए COOH को जो है आपने सेकेंड प्रायोरिटी दे दी। थर्ड प्रायोरिटी दोगे आप CH3 का, और फोर्थ प्रायोरिटी दोगे आप हाइड्रोजन का, तो ये जो है वो प्रायोरिटी होगी। अब इन RS सिस्टम में आपको जो कायरल कार्बन होता है, सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो सबसे अवे होना चाहिए व्यूअर से। अवे होने का मतलब है सबसे लोवेस्ट हो, ठीक है, तो आपको जो है इसको नीचे की तरफ ले आना पड़ेगा। मतलब फोर्थ नंबर कहाँ होना चाहिए, बॉटम पे होना चाहिए, अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं तब, या अगर 3D स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वो बिलो द प्लेन होगा। अगर आपका 2D स्ट्रक्चर है तो बॉटम पे होना चाहिए, और 3D है तो बिलो द प्लेन हो। मैं उसको भी दिखाऊंगा अभी, मतलब बिलो द प्लेन, अवे द प्लेन में होना चाहिए, तभी वो सबसे दूर होगा। तब आपको जो है नंबरिंग को रोटेट करना है, और रोटेट करने के बाद जो नंबर आता है उसी के बेसिस पे जो है चीज़ें शो की जाती है। जैसे अगर मैंने देखिए यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर में शो किया, अगर ये अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन से मैंने तीन ग्रुप्स को 1, 2, 3 एंड 4th को मेंशन किया। देखिए फोर्थ को बिलो द प्लेन रखा गया है, यानी पीछे है प्लेन से। तो जब इसके बाद आप नंबरिंग करते हैं या इनका जो ऑर्डर देखते हैं, तो 1 के बाद देखिए 2 आ रहा है, और 2 के बाद आ रहा है 3। तो ये जो रोटेशन है वो एक क्लॉकवाइज रोटेशन में, जब 1, 2, 3 आप इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि 1 से 2, 2 से 3 मूव करना है, 1 से 2, 1 से 2, 2 से 3। तो ये 1, 2, 3 जो मूवमेंट है ये कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो आप इसको बोलते हैं आर आइसोमर। क्या बोलते हैं, आर आइसोमर। अगर रोटेशन 1, 2, 3 का कैसा हो, क्लॉकवाइज हो, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, ये रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज है। लेकिन अगर यही रोटेशन आप देखें तो 1, 2 और 3, यहाँ पे 1, 2, 3 ऐसे जा रहा है, इसको आप बोलोगे कि ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज। तो 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 अगर काउंटर क्लॉकवाइज है, तो ऐसे को आप बोलते हैं एस आइसोमर्स, ठीक है। लेकिन याद रहे कि जो फोर्थ नंबर का जो एटम होना चाहिए वो या तो लीनियर स्ट्रक्चर में बॉटम पे होना चाहिए, या तो जो है अवे फ्रॉम द प्लेन होना चाहिए, ठीक है, मतलब बिलो द प्लेन होना चाहिए, जिसको हम बोल सकते हैं। तो RS सिस्टम में अगर क्लॉकवाइज है तो R, और काउंटर क्लॉकवाइज है तो S, जैसा कि आप देख सकते हैं। इन द थ्री एटम्स जिसको आपने प्रायोरिटी बेसिस पे जो बोला है, ठीक है, तो उसी प्रायोरिटी बेसिस पे R और इसके जो है S कॉन्फ़िगरेशंस को जो है बोला जाता है। और R और S लिया कहाँ गया से, R फ्रॉम लैटिन लिया गया रेक्टस से, और रेक्टस का मतलब होता है राइट, और S लिया गया सिनिस्टर से, और सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट। तो लैटिन में जो है RS, R का मतलब रेक्टस एंड सिनिस्टर का मतलब लेफ्ट, यानी जो राइट की तरफ भाग रहा है वो है आपका राइट,
यानी आर, और जो लेफ्ट की तरफ भाग रहा है उसको एस बोलते हैं। अब सवाल आता है कि अगर फोर्थ ग्रुप जो है वो अवेलेबल ना हो बॉटम पे तो क्या करें, तब ये जो है वो रूल कैसे काम करेगा? तो उसके लिए फिर आपको उसको ट्रांसफर करना होता है बॉटम पे, या तो आप ये काम कर सकते हैं और इसी तरीके से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आरएस सिस्टम को शो किया जा रहा, अभी ना आरएस सिस्टम में जब बात करोगे आप तो यू कैन सी यहाँ पे एलिजिन का स्ट्रक्चर है। अब फोर्थ को देखिए, बिलो द प्लेन शो किया गया है, पहला जो है अमीनो ग्रुप को मेंशन किया जा रहा है, ठीक, जो यहाँ पे पहला जो है वो अमीनो ग्रुप को शो किया जा रहा है, सेकेंड जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, थर्ड मिथाइल ग्रुप है। अब इसमें जो ऑर्डर देखोगे तो वो 1 2 3 का जो ऑर्डर है वो कैसा मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अब 1 2 3 का ऑर्डर क्लॉकवाइज है, और सिमिलरली ये जो है आपका कैसा एलिनिन हो जाएगा, आर एलिनिन हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप एलिनिन को जो है मेंशन करते हैं। बेस एलिनिन के केसेस में आप देखोगे तो अमीनो ग्रुप जो है वो राइट साइड ना। अब थोड़ा सा बुद्धि का, विवेक का प्रयोग करो, तो जो डी आइसोमर था, मैंने बताया कि डी आइसोमर ही होते हैं जो डेक्स्ट्रो भी होते हैं, तो डी आइसोमर, कैपिटल डी आइसोमर ही डेक्स्ट्रो आइसोमर है, और वही कैपिटल डी जो है वो एल होगा या आर होगा। अब इसमें ज़रा समझने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है, कि कैसे जो है ये चीज़ें चलेंगी। आर एस सिस्टम में जैसे मैंने बताया कि कई सारे जो है डी होते, कई सारे एल होते, और आर एस सिस्टम में एल अमीनो एसिड्स जनरली या टिपिकली एस होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट एक अमीनो एसिड को लेके, और वो है आपका सिस्टीन। सिस्टीन को छोड़ दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड का जो एल वर्जन होता है, यानी जो लेफ्ट वाला वर्जन होता है, वही एस होता है, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा सा ध्यान दे तो एक निमोनिक्स बनता है जिसको बोलते हैं डी आर एल एस। क्या बोला गया? डी आर एल एस, मतलब डॉक्टर लाइफ साइंस भी आप बोल सकते हैं इसको। मैं जो है कोड के तौर पे बोलता हूँ डॉक्टर लाइफ साइंस। व्हाट डज इट मीन डॉक्टर लाइफ साइंस? कहने का ये मतलब है कि डी का मतलब है डेक्स्ट्रो, मतलब डी फॉर्म मतलब लेफ्ट साइड में होगा, तो लेफ्ट साइड में होगा तो वो आर शो करेगा, और एल टाइप ऑफ के जो अमीनो एसिड्स होंगे वो एस टाइप ऑफ आइसोमर्स होंगे। तो डी आर एल एस जो है वो आपको निमोनिक्स ध्यान रखने में जो है हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो आपको आएंगी। एंड सवाल ये आ जाता है कि सिस्टीन में ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि सिस्टीन में जो प्रायोरिटी है वो बदल जाती है। पहला नंबर अमीनो को नहीं मिलता, पहला नंबर एसएच को मिलता, वहाँ पे जो है कुछ चीज़ें बदलती हैं, लेकिन कैसे और क्या है, कई सारी चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। एल सिस्टीन में ऐसा क्या होता, तो एल सिस्टीन हैव आर कॉन्फिग्रेशन एंड आर एस सिस्टीन, उसके पास एल सिस्टीन के पास कैसा कॉन्फिग्रेशन होता है, आर होता है। एंड ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सल्फर साइड चेन रेजेस द प्रायोरिटी फॉर सिस्टीन। जो सल्फर साइड चेन होता है वो सिस्टीन की प्रायोरिटी को जो है वो रेज कर देता है, बढ़ा देता है, तो इस वजह से ऐसे केसेस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे सिस्टीन का मसला देखिए, यहाँ एल सिस्टीन है, होना चाहिए एस, लेकिन हो क्या गया, ठीक है। तो मोस्टली अब एक रूल होता है जिसको मैं बोलता हूँ गोल्डन रूल। क्या बोलता हूँ? गोल्डन रूल। अब गोल्डन रूल क्या कहता है कि देखो, आपको जो नंबरिंग होती है, अगर नॉर्मल रूल ये कहता है, बहुत सिंपल शब्दों में बोला जाए तो नॉर्मल रूल आपको कहता है कि क्लॉकवाइज है, अगर क्लॉकवाइज है 1 2 3, यही था ना नॉर्मल रूल, यही कहता है कि आप नंबरिंग करो 1 से 2 और 2 से 3 की तरफ जाओ तो आपका वो हो जाएगा आर, ठीक। लेकिन गोल्डन रूल ये कहता है कि जो आपका क्लॉकवाइज आ रहा है उसका उल्टा कर दो, यानी आर आ रहा है तो वो एक्चुअली में एस हो जाएगा। ये गोल्डन रूल तब अप्लाई करना है जब फोर्थ वन बॉटम पे ना हो। इसके लिए आपको फोर्थ वन कहीं पे भी हो, एनी वेयर, ठीक है। सिमिलर केस कि अगर 1 2 3 जब फोर्थ वन बॉटम पे ना हो और ये काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो एक्चुअली में ये एस होता है, लेकिन एस की जगह आप इसको क्या रख देंगे, आर। इसका एग्जांपल आप 16 में भी जरा लेके देखिए। देखिए मैं यहाँ पे कोई नंबरिंग फोर्थ को बॉटम पे या फोर्थ को बिलो द प्लेन ले जाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ नंबरिंग करूंगा, और वैसे भी हाइड्रोजन फोर्थ आने वाला है तो उसको करने की जरूरत थी नहीं।
अब देखिए यहाँ पे गोल्डन रूल का क्या इंटरेस्टिंग फैक्टर बन रहा है, ये नाइट्रोजन को आप फर्स्ट नंबर देंगे या सेकंड देंगे? कई सारे लोग जो है नाइट्रोजन, जैसे लिटरेचर में मिस्टेक है, अब जब सिस्टीन की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं सिस्टीन के साथ केस उल्टा हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं जो है अभी लिखा गया था, बट स्टिल सिस्टीन के साथ चीज़ें कैसे हो रही है, सिस्टीन प्रायोरिटी रेज नहीं करता। अब प्रायोरिटी रेज में देखो ये कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, सिस्टीन में क्या होता है कार्बन, कार्बन के बाद सल्फर है, तो यहाँ पे अब देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन से ज़्यादा, तो इसीलिए जो आर ग्रुप हो जाता है उसकी प्रायोरिटी जो है वो थर्ड की जगह सेकेंड हो जाती है। अमीनो ग्रुप तो अभी भी पहला है, एन है भैया, एन के बाद कार्बन क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 है, फिर कार्बन नंबर 6 और 6, उसके बाद जो है यहाँ ऑक्सीजन है जो 8 है और सल्फर जो कि 16 है, तो 16 को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, इसीलिए नंबरिंग जो है 1 2 ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब आपने नंबरिंग को समझ लिया कि नंबरिंग हो कैसे रही, प्रायोरिटी किस बेसिस पे हो गई। अब नंबरिंग को देखने के बाद यहाँ पे जो मूवमेंट है वो कैसा है 1 2 3 का, अगर आप देखिए तो 1 2 3 है ना, तो 1 2 3 ऐसे जा रहा है, 1 2 3 ऐसे जा रहा है, 1 2 3 ऐसे जा रहा है, यानी ये क्या है एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक वाइज का मतलब क्या होना चाहिए था, एस होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, एस होना चाहिए था, और ये एल अमीनो एसिड भी है, लेफ्ट में भी प्रेजेंट है, लेफ्ट में भी प्रेजेंट है, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एस होना चाहिए था, लेकिन आप लिखोगे क्या आर, क्यों लिखोगे आर, क्योंकि गोल्डन रूल आप अप्लाई कर रहे हैं, ये एस की जगह क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, है एल अमीनो एसिड, है एल सिस्टीन, लेकिन कौन सा आइसोमर है, एस आइसोमर की जगह आर है। ठीक है, तो जो डी आइसोमर होते हैं वही एक्चुअली में डेक्स्ट्रो होते हैं मोस्टली उन्हीं, और डी का मतलब है अमीनो ग्रुप लेफ्ट में, वही डेक्स्ट्रो होते हैं, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, और वही मोस्टली एस आइसोमर होते हैं, कैसे होते हैं ऐसे होते हैं, सॉरी आर, एंड जो एल अमीनो एसिड्स होते हैं वो एक्चुअली लीवो होते हैं स्मॉल एन, और वही जो होते हैं वो आपके एल आइसोमर्स होते हैं मोस्टली एक्सेप्ट सिस्टीन। ठीक है, समझ में आई बात, गोल्डन रूल के कुछ और एप्लीकेशन समझ लो, ज्यादा तामझाम करना ही नहीं है, किसी भी बुक में कहीं पे भी दिया हो अगर आपने गोल्डन रूल समझ लिया तो आपको ज्यादा टेंशन होने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ देखो गोल्डन रूल बहुत ध्यान से देखो, अमीनो ग्रुप को पहला नंबर, दूसरा नंबर कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, तीसरा CH3 को, ये रोटेशन कैसा है क्लॉकवाइज, क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था क्लॉकवाइज मतलब आर, लेकिन गोल्डन कहता है कि उसका अपोजिट मतलब एस होना चाहिए, तो ये जो है एस हो जाएगा, ये एस होगा, एल टाइप जो है देखो एल टाइप है ना, अमीनो ग्रुप किधर की तरफ है भाई, अमीनो ग्रुप को अगर यहाँ पे देख पा रहे हो तो वो जो है लेफ्ट की तरफ है। ठीक है, ये चीज इसके बाद जरा बात करिए, यहाँ पे देखिए अमीनो ग्रुप लेफ्ट एल वैलिन है, इसमें देखिए पहला नंबर एल वैलिन को आप पहला नंबर ये दिए, कार्बोक्सिलिक दूसरा नंबर, तीसरा ये ग्रुप कैसा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है आर लेकिन हो जाइए एस, ये गोल्डन रूल की कहानी है। देखिए 1 2 3, 1 2 3 क्लॉकवाइज आर की जगह एस, तो मोस्ट ऑफ द एल अमीनो एसिड्स कैसे हैं एस आइसोमर्स है, लेकिन जो सिस्टीन होता है वो कैसा होता है, वो सिस्टीन होता है वो कैसा होता है, वो आर होता है एल टाइप वाला। ठीक है, होपफुली कि आपको आर और एस नॉमेनक्लेचर भी समझ में आ गया है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप देख रहे थे, अब इन प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टीज आती है एब्जॉर्प्शन की भी प्रॉपर्टी आती है, व्हाट इज दिस एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी, अब एक इंपॉर्टेंट जो है हम बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन रीलोकलाइजेशन, तो एरोमेटिक एरोमेटिक अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनके पास एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि वो यूवी लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब कर सके। अब ये यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते क्यों है, क्योंकि उनके पास जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन के रीलोकलाइजेशन पाए जाते हैं। अब वाई पाई इलेक्ट्रॉन रीलोकलाइजेशन, मैं आपको एक चीज़ यहीं पे मेंशन कर दूं कि कहीं पे भी अगर आपको लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो वहां पे किसी भी मॉलिक्यूल में, तो उस मॉलिक्यूल के पास जो चीज होगी वो होगी पाई इलेक्ट्रॉन का रीलोकलाइजेशन। सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करिए कि अगर आपको एक रूम में मैं बंद कर दूं,
और उस आपको बहुत सारे पैसे दे दूं कि ये लो 40-50 हज़ार रुपए, आप शॉपिंग करके आओ। अब आप अपने रूम से बाहर रीलोकलाइज कर ही नहीं सकते हो, तो उस एनर्जी को आप एब्जॉर्ब कर पाओगे या उसका यूटिलाइज कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। आप एनर्जी का यूटिलाइजेशन तब करते, उसका खर्च तब करते, एक्साइटेड एनर्जी में जाने के लिए, स्टेट में जाने के लिए, जब आपके पास कहीं और पे मूव करने की टेंडेंसी हो। लेकिन अगर मैं आपको रूम खोल दूं और बोलूं फिर 40 से 50 हज़ार रुपये लो और जाओ शॉपिंग करके आओ, तो शायद आप अब उस 40 से 50 हज़ार रुपयों का अच्छा यूज़ करोगे, खर्च करोगे। एग्जैक्टली सेम हैपन्स विद द लाइट। अगर कोई जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स है या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो एनर्जी लेने के बाद एक जगह से दूसरी जगह पे रीलोकलाइज नहीं कर सकता, मतलब अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता, तो फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा कैसे? वो रीलोकलाइजेशन होगा तभी तो एनर्जी का यूटिलाइजेशन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि रीलोकलाइज करने में तो कुछ एनर्जी वेस्ट करेगा ना, और फिर वापस वहां से आएगा, अपनी जगह पे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा कैसे? तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमेशा ध्यान रखें, पाई इलेक्ट्रॉन रीलोकलाइजेशन होना बहुत जरूरी है अगर लाइट के एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है तो। और यही पाई इलेक्ट्रॉन का रीलोकलाइजेशन आपको अमीनो एसिड के केसेस में, एरोमेटिक अमीनो एसिड में मिलता है, नाइट्रोजिनस बेस में मिलता है, आइसो जो है कैरोटीनॉइड्स में मिलते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट में कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन रीलोकलाइजेशन नहीं होता, इसलिए कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट रीएब्जॉर्प्शन नहीं सुन सकता। ठीक है, सो एरोमेटिक अमीनो एसिड एब्जॉर्ब्स द यूवी लाइट, और एरोमेटिक अमीनो एसिड के तीन एग्जांपल्स हैं, फिनाइल एलेनिन जिसको आप सिंगल लेटर कोड में एफ लिखते हो, टायरोसिन जिसको सिंगल लेटर कोड में वाई लिखते हो, और ट्रिप्टोफैन जिसको सिंगल लेटर कोड में जो है वो आप डब्ल्यू मेंशन करते हो। तो टायरोसिन FYW, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में WYF भी बोलता हूँ, वाइफ। ठीक है, तो ये जो है वो आपका एब्जॉर्प्शन। याद रहे कि एब्जॉर्प्शन जो होता है वो साइड चेन से होता है, और साइड चेन में ऐसा क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन रीलोकलाइजेशन जो मैंने मेंशन किया। एब्जॉर्प्शन के मैक्सिमम 257, 280 या 274 जो है वो नैनोमीटर होता है। अब कितना किसका है इसके ऊपर बात करते हैं। हर एक प्रोटीन के पास डिफरेंट कॉम्पोजिशन होता है टायरोसिन, ट्रिप्टोफान और फिनाइलएलनिन का, इसीलिए हर एक प्रोटीन का जो एब्जॉर्बेंस होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि सभी का जो कॉम्पोजिशन है वो अलग है और स्ट्रक्चर एंड कंडीशन जो है वो शो करते हैं। याद रहे अगर आपने थोड़ा सा कभी स्ट्रक्चर को देखा हो तो ठीक है, नहीं तो अभी थोड़ी देर में आपको दिखाया जाएगा। तो ट्रिप्टोफान की बात करें तो ट्रिप्टोफान का जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस होता है वो 279.8 पे होता है, जिसका वेवलेंथ अगर मैं बात करूँ लेमडा। टायरोसिन का जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस होता है वो 274.6 पे होता है, और फिनाइलएलनिन का जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस होता है वो होता है आपके 257.4 पे। एज यू कैन सी, लगभग 257 पे फिनाइलएलनिन मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है, 274 के आसपास जो है मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है आपका दिस टायरोसिन, एंड 279 के आसपास जो एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है वो कौन शो कर रहा है, दैट इज योर ट्रिप्टोफान। अब वेवलेंथ तो ठीक है, लेकिन उन वेवलेंथ में भी बड़ी खतरनाक है कि एब्जॉर्प्शन की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा किसकी है। अगर मैं मैक्सिमम वेवलेंथ तो शो कर रहा हूँ, साथ में अगर मैं यहाँ पे शो करूँ कि एब्जॉर्बेंस ए मैक्स कितना है, तो जो फिनाइलएलनिन का ए मैक्स अगर आप देख पा रहे हो तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.2 के आसपास होता है। जो टायरोसिन मैक्स एब्जॉर्ब कर पाता है वो 1.2 के आसपास कर पाता है। कैसे ये मैं बता पा रहा हूँ, हियर देखो इसका पीक देखो ना, कितना एब्जॉर्बेंस कितना कम है इसका, देखो लगभग यहीं पे है। ठीक है, लेकिन जब ट्रिप्टोफान की बात करें तो वो 6 के आसपास एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है, मतलब फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन की तुलना में ट्रिप्टोफान का जो एब्जॉर्बेंस है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए ट्रिप्टोफान जो है वो डोमिनेट करता है। कि अगर ट्रिप्टोफान एक भी होगा सोचिए, तो लगभग जो है वो उसके कंपैरिजन में जितने लगभग लगभग अगर देखा जाए तो 6 डिवाइडेड बाय 0.2, 60 30। ठीक है, मतलब अगर इस इक्वेशन के हिसाब से समझा जाए तो लगभग 30 फिनाइल एनिलीन जो है जितने एब्जॉर्बेंस शो करेंगे उतना एक ट्रिप्टोफान शो करता है। सो दैट इज यूनिक, यू कैन से दैट ट्रिप्टोफान का एब्जॉर्प्शन जो है वो कितना ज्यादा है एज कम्पेयर टू द फिनाइल एलेनिन। तो ये चीज जो है देखने को मिल रही है। वैसे ही अगर टायरोसिन की बात की जाए तो 5 टायरोसिन जितना एब्जॉर्बेंस शो करेंगे
लगभग 1 ट्रिप्टोफान उतना शो करता। तो ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड, क्योंकि इसका जो एब्जॉर्बेंस की वैल्यू है वो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतरीन है। तो 30 फिलाइन लेटेनिन मिल के उतना एब्जॉर्बेंस नहीं शो कर पाएंगे जितना ट्रिप्टोफान करता है। इसीलिए जब भी आप प्रोटीन को एस्टिमेट करते हैं ना, तो उसका वेवलेंथ जो माना जाता है, जब भी आप एक जनरल प्रोटीन का एस्टिमेशन करने जाते हैं लोवरी मेथड या किसी भी एस्टिमेशन मेथड से जो एब्जॉर्बेंस को यूज़ करता है, हमेशा जो वेवलेंथ लेते हैं वो 280 नैनोमीटर लेते हैं। और इस वेवलेंथ को लेने के पीछे रीज़न यही रहता है कि जो है आपका बेसिक कॉम्पोजिशन, मतलब क्योंकि यह मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस जो है वो ट्रिप्टोफैन से आता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई आपको? एब्जॉर्बेंस तक मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपको डिस्कस करी।